नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि समान काम और समान वेतन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अब 3 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को 2 बजे के बाद से समान काम और समान वेतन की सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि आप सबको जानकारी होगा कि 27 सितंबर को इस मामले की जब सुनवाई हुई तो जज साहब ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को भी 50,000 दीजिए तो ये पढ़ाएंगे। सरकार बोली कि 25,000 वेतन देने पर भी नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,000 वेतन दीजिए तब ये शिक्षक पढ़ाएंगे। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आज का न्यूज़पेपर में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा 25,000 रुपये वेतन पाकर भी नियोजित शिक्षक बच्चे को सही से नहीं पढ़ाते हैं। कोर्ट ने कहा 50,000 दीजिए तब देखिए ये बच्चे को कैसे नहीं पढ़ाएंगे। राज्य सरकार ने दलील दी थी कि झारखंड के पारा शिक्षकों से बिहार के नियोजित शिक्षकों को अधिक वेतन दिया जा रहा है। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकार किसे प्राथमिकता दे, कोर्ट तय कर दे, सरकार मान लेगी। साथ ही आपको बता दें कि वकील ने यह भी कहा कि शिक्षक सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं जबकि सरकार समुदाय के बारे में भी सोचते हैं। ने एक बार फिर से कहा समान काम के लिए 3,56,000 नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने में पूरी तरह असमर्थ है। गुरुवार को 23वें दिन भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब अंतिम सुनवाई माना जा रहा है कि 23 अक्टूबर को होगी। हालांकि यह अंतिम सुनवाई नहीं होगा क्योंकि कोर्ट 4 बजे तक खुला रहेगा और 2 बजे से इस मामले की सुनवाई होनी है। इस एम सप्रे और यूयू ललित की खंडपीठ में समान काम और समान वेतन की सुनवाई चल रही है। सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता श्याम दीवान और दिनेश द्विवेदी ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा आर्टिकल 21A बच्चे के लिए लागू होता है, संस्थान पर नहीं होता है लागू। शिक्षक उसी संस्थान के अंग है, इसीलिए शिक्षकों को समान वेतन की बात करना ठीक नहीं है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों को सीधे BPSC आदि से बहाल नहीं किया है। इन शिक्षकों को पंचायत और निकायों के विभिन्न संस्थानों के माध्यम से नियोजित किया गया है। शिक्षक संघ की ओर से विजय हंसरिया ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोर्ट का समय नष्ट किया जा रहा है। लंबे समय से चल रही सुनवाई को समाप्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस के दौरान जो है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव RK महाजन व अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे। फाइनली इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर 2018 को होने जा रही है। 2 बजे से 4 बजे तक उस दिन सुनवाई होगी। और कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कहा जा सकता है कि जज साहब ने भी कहा कि आप जो है इन शिक्षकों को 50,000 देके देखिए, नियोजित शिक्षक भी सही तरीके से पढ़ाएंगे। 25,000 वेतन देने के बाद भी सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि ठीक ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। जज साहब ने कहा 50,000 देके देखिए, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाएंगे। इस अपडेट में